सनसनी ऑफ इंडिया। थाना पुल प्रहलादपुर पुलिस टीम ने मदर डेयरी दूध डिस्ट्रीब्यूटर से लूट और ब्लाइंड मर्डर की वारदात को 24 घंटे के अंदर सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग से वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन थाना पुल प्रहलादपुर पुलिस टीम के सामने इनकी प्लानिंग धरी रह गई। वारदात को अंजाम तीन बदमाशों ने मिलकर दिया था, जिनमें दो को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय सचिन, 19 वर्षीय अमन और इरशाद उर्फ राजा के रूप में हुई है। तीनों आरोपी लाल कुआ पुल प्रहलादपुर इलाके के रहने वाले हैं। इरशाद उर्फ राजा फरार है, जिसको दबोचने के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और वारदात के समय पहने कपड़े बरामद कर लिए हैं। हम आपको बता दें कि बदमाशों ने बीते 13 फरवरी को बैंक में पैसा जमा करने जा रहे मदर डेयरी दूध डिस्ट्रीब्यूटर को लूटने के इरादे से रोका और फायरिंग की, लेकिन गोली दूध डिस्ट्रीब्यूटर को न लगकर वहीं मौजूद निर्दोष कबाड़ बीनने वाले को लग गई। इसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दिनांक 13 फरवरी 2023 को दोपहर लगभग 11:15 बजे थाना पुल प्रहलादपुर में एक PCR कॉल आया कि लाल कुआ राम प्यारी कैंप में एक आदमी को गोली लगी है। कॉल करने वाले ने बताया कि वो अपने घर जा रहा था, बाकी उसने कुछ नहीं देखा है। दिन दहाड़े गोली से हुई हत्या की कॉल मिलते ही पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस टीम के साथ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सभी क्राइम टीम तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची तो देखा कि राम प्यारी कैंप के MCD टोल रोड पर शौचालय के पास दीवार के साथ एक कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति मृत पड़ा है, जिसके सीने में दाहिनी ओर गोली लगी थी। मौके पर पहुंची क्राइम और पुलिस टीम ने जांच की तो पता चला कि बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे लाल कुआ निवासी मदर डेयरी दूध डिस्ट्रीब्यूटर बाबू दीन पर लूट के इरादे से बदमाशों ने गोली चलाई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दो लड़के थे जी। एक लड़के ने काले कलर की जो जैकेट पहन रखी थी जी। मुझे रोका, मैं स्लो हुआ हूँ, फिर आगे स्कूटी पर हाथ से मुझे रोका है, स्कूटी पर धक्का मारा आगे हाथ से, लेकिन मैं नहीं रुका हूँ, चलता रहा। मुझे शक हुआ है कि ये लूटने के चक्कर में, मैंने स्कूटी और तेज करी, स्कूटी से फिसलता हुआ चलाया, पीछे से उसने फिर फायरिंग करी मेरे ऊपर। फायरिंग हुई है, जिसकी गोली लगी है वो कबाड़ा मिल रहा था, लेकिन गोली मेरे भाई मारी थी। मेरे भाई को कैश लेके घर से जा रहा था, बैंक में पैसा जमा करने के लिए, उसे स्कूटी पर जा रहा था, स्कूटी पर उसे दो आदमियों ने, जिसने मुंह बांध रखा था, अपना घाटा मार रखा था, उन्होंने रोका, रोकने की कोशिश की, वो निकल गया। जैसे निकला है उसमें गोली, उसको गोली चलाई, उसे आवाज़ सुनी, वो निकल के बैंक पहुंचा। बैंक जाकर उसने मुझे फ़ोन किया तो भैया ऐसा की बात है, मैंने कहा बैंक रहिए, हम पहुंच रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर आए पता लगाए एक कबाड़ी में गोली लगी है, तो वो खत्म हो गया। मौके पुलिस मौके पर ही खत्म। और आपका भाई का नाम क्या है और क्या चीज़ का काम करता है? भाई मेरा भाई का नाम बाबू दीन है, मेरे से छोटा है। क्या नाम है? बाबू दीन नाम है, मेरे से छोटा है। और वो दूसरे का काम करता है, मदर डेयरी की एजेंसी ले रखी है। आज कितना पैसा लेकर के जमा करने जा रहा है? समथिंग ये कन्फर्म नहीं, पर 5-7 के आसपास। पुलिस और क्राइम टीमों के अलावा DCP साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट राजेश देव खुद क्राइम सीन पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। हम आपको बता दें कि राजेश देव इससे पहले क्राइम के DCP थे और कुछ ही दिन पहले साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में DCP का कार्यभार संभाला है। DCP राजेश देव इतने सुलझे हुए अफसर है कि वारदात छोटी हो या बड़ी खुद ग्राउंड पर जरूर जाते हैं। दिन दहाड़े गोली मारकर हुई हत्या और लूट की वारदात को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए DCP राजेश देव ने जगदेव सिंह, ACP सरिता विहार की सुपरविजन व इंस्पेक्टर संजय दहिया, SHO पुल प्रहलादपुर के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मधुरेंद्र, SI दीपक नरेश कुम्हे, ASI शिव कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेश, राकेश कांस्टेबल कुलदीप, बिमलेश और नवरंग की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर संजय दहिया, SHO पुल प्रहलादपुर ने क्रिमिनलों को ट्रैक करने के लिए टीम के हर मेंबर को स्पेसिफिक टास्क सौंपा। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मधुरेंद्र ने सबसे पहले पीड़ित बाबूदीन के कर्मचारियों और दोस्तों से पूछताछ की तो कोई संदेह वाली बात नहीं मिली। एक टीम क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही थी तो दूसरी टीम वारदात के समय क्राइम सीन के आसपास एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों को स्कैन करने में लगी हुई थी। अब तक की जांच और क्रिमिनलों की क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी से इंस्पेक्टर संजय दहिया को समझते देर नहीं लगी कि वारदात को अंजाम अचानक नहीं दिया गया है, वारदात को अंजाम देने से पहले पीड़ित की रेकी जरूर की गई होगी। इंस्पेक्टर संजय दहिया यह अच्छी तरह से जानते थे कि वारदात के बाद क्रिमिनल भागने के लिए कभी भी सीधे रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्राइम करने के बाद पुलिस को चकमा देने और CCTV कैमरों से बचने के लिए क्रिमिनल आड़े तिरछे रास्तों से भागकर अपने आप को छिपा लेते हैं।
इंस्पेक्टर संजय दहिया ने टीम को सलाह दी कि क्राइम करने के बाद क्रिमिनल भागने के लिए आड़े तिरछे रास्तों का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेकी करके वारदात को अंजाम देने वाले क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने से पहले टारगेट के रूटीन को समझने के लिए पहले रेकी करते हैं, फिर वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसी जगह को चुनते हैं जहां सीसीटीवी कैमरा न हो। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मधुरेंद्र ने क्राइम की मोडस ऑपरेंडी को बारीकी से स्कैन करते हुए क्रिमिनलों के भागने के रूट को तैयार करने की बजाय क्राइम सीन तक पीड़ित के आने का रिवर्स रूट तैयार किया। क्राइम सीन से पीड़ित के घर तक के रिवर्स रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पुलिस के हाथों सफलता लग गई। क्राइम रूट पर पड़ने वाले एमसीडी टोल बूथ के कैमरे में चेहरा ढके बाइक पर सवार तीन लोग पीड़ित का पीछा करते नजर आए। हालांकि कैमरे में कैद बाइक नंबर और क्रिमिनलों की पहचान नहीं हो पा रही थी, फिर भी टीम ने सीसीटीवी फुटेज से मिली तस्वीरों को टेक्निकल इक्विपमेंट की मदद से क्लियर किया तो बाइक का नंबर DL3SFD8522 सामने आ गया। टेक्निकल इनपुट के आधार पर मोटरसाइकिल की शिनाख्त हो गई। मोटरसाइकिल आकाश वैद पुत्र दीप्ति वैद निवासी चुंगी नंबर 3 लाल कुआं D329C नई दिल्ली के पते पर पंजीकृत पाई गई। टीम को लगा कि अब तो मामला क्रैक हो ही गया, लेकिन जब सस्पेक्ट बाइक के नंबर से मिले पते पर छापेमारी की तो बड़ी निराशा हाथ लगी। जिस पते पर बाइक पंजीकृत थी उस इलाके को कुछ समय पहले MCF ने तोड़ दिया था। बाइक एकमात्र सुराग थी जिसकी मदद से आरोपियों तक पहुंचा जा सकता था, इसके लिए टीम ने बाइक मालिक आकाश वैद को खोजने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। कड़ी मेहनत के बाद टीम ने आकाश वैद को दबोच लिया। पूछताछ में आकाश वैद ने बताया कि यह बाइक उसका छोटा भाई वीर वैद चलाता है। आकाश वैद की निशानदेही पर टीम ने पूछताछ के लिए उसके छोटे भाई वीर वैद को भी उठा लिया। वीर वैद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि चुंगी नंबर 3 लाल कुआं निवासी अमन ने अपनी मोटरसाइकिल सर्विस पर भेजने की बात बोलकर उससे उसकी मोटरसाइकिल 2 दिन के लिए चलाने के लिए मांगी थी। टीम ने तुरंत ही 241 चुंगी नंबर 3 लाल कुआं पुल प्रहलादपुर अमन के घर पर छापेमारी की तो मौके पर उसका छोटा भाई मिला। उसने पुलिस को बताया कि 13 फरवरी की सुबह से ही अमन घर नहीं आया है। पुलिस को पूरा शक हो गया कि वारदात को अंजाम अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया है। आरोपी की पहचान होते ही टीम ने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। आरोपी के सभी दोस्तों रिश्तेदारों व परिचितों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। आरोपी दिल्ली छोड़कर भागने की फिराक में थे। इससे पहले कि आरोपी दिल्ली छोड़कर भाग पाते उससे पहले ही टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से 2 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों की पहचान दी 241 चुंगी नंबर 3 लाल कुआं पुल प्रहलादपुर निवासी 19 वर्षीय अमन पुत्र स्वर्गीय रोहताश व B318 चुंगी नंबर 2 लाल कुआं निवासी 22 वर्षीय सचिन पुत्र सूरज के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने आगे बताया कि अपने तीसरे सहयोगी खोरी गांव फरीदाबाद निवासी इरशाद उर्फ राजा के साथ मिलकर पीड़ित बाबूदीन को लूटने की साजिश रची थी। आरोपियों ने आगे बताया कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे, इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। नौकरी करके वो अपनी ड्रग और ऐशो आराम की जिंदगी के सपने को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए जल्दी और शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने के लालच में लूट की योजना बना डाली। आरोपियों को पता चला कि पीड़ित बाबूदीन का पुल प्रहलादपुर इलाके में दूध सप्लाई का बड़ा काम है और रोज की कलेक्शन लाखों में होती है, जिसे पीड़ित रोज अगले दिन बैंक में जमा करने जाता है। आरोपियों ने बाबूदीन को टारगेट करके रेकी करनी शुरू कर दी। पीड़ित के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों ने पीड़ित के एक पंकज नामक सेल्समैन से नजदीकियां बढ़ाए और वारदात से 2 दिन पहले पंकज के पास बैठकर बियर पार्टी भी की। आरोपियों ने 4-5 दिन तक पीड़ित की रेकी करके ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि पीड़ित कितने बजे घर आता है और कितने बजे किस रूट से बैंक पैसा जमा करने जाता है। 13 फरवरी को आरोपी अमन ने अपने दोस्त वीर से उसकी मोटरसाइकिल चलाने के लिए मांग ली। वारदात वाले दिन आरोपी सचिन अमन और इरशाद ने मोटरसाइकिल पर बैठकर पीड़ित बाबूदीन के घर के पास इंतजार किया। हर रोज की तरह लगभग 10:45 बजे जब बाबूदीन बैंक में पैसा जमा कराने के लिए स्कूटी पर अपने घर से निकला तो आरोपी पीड़ित से पहले MCD टोल बूथ रोड के रास्ते राम प्यारी कैंप के शौचालय से पहले आकर अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। पीड़ित जब अपने घर से निकला तो उसे रास्ते में उसका सेल्समैन पंकज भी टकराया था। 11 बजे जब बाबूदीन अपनी स्कूटी से MCD टोल बूथ रोड से होते हुए शौचालय के पास पहुंचे तो इरशाद और अमन ने उनकी स्कूटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबूदीन ने संदेह होने पर अपनी स्कूटी नहीं रोकी। इस पर इरशाद ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और बाबूदीन पर पीछे से फायर कर दिया, लेकिन इरशाद का निशाना चूक गया और गोली पास में कबाड़ा बीन रहे जुल्लू दफादार को जा लगी। जुल्लू दफादार की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
पहला आरोपी 22 वर्षीय सचिन पुत्र सूरज डी 318 चुंगी नंबर 2 लाल कुआ दिल्ली में अपने माता पिता व दो भाई बहनों के साथ रह रहा है। ये 10वीं तक पढ़ा है और पहले ओखला की एक कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करता था। दूसरा आरोपी 19 वर्षीय अमन पुत्र स्वर्गीय रोहताश डी 241 चुंगी नंबर 3 लाल कुआ कुल प्रलादपुर का रहने वाला है। यह 12वीं पास है और वर्तमान में बेरोजगार है। इसके पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी और यह ड्रग का आदि है। तीसरे आरोपी इरशाद उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद इस्लाम की तलाश जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में, दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में। हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।